चांदरा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सांकेतिक होती है जो बयान हो जाती है अपने आप, बनानी नहीं पड़ती। जय श्री राम। नीचे देखोगे ना भाई साहब आपकी रूह कांप जाएगी। इसका नाम भी अजय है क्या? हाँ अजय है ये। अजय है ये। भाई पंचर हो गया पिछले 2 किलोमीटर तक, इसे आगे ले जाने लग रहे हैं। तुमने तो भाई ट्यूब खराब कर दोगे। पूरे 8 बज चुके हैं और जो है ना इस बाइक में हो गया था पंचर। राम राम जी सभी को। तो भाई आज 11 जून 2023 और भाई आज फिलहाल ना रेडी हो चुके हैं सारे सामान बाइक पे पैक कर दिया। और कल जो ना हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी भाई साहब, मजा आ गया था यहाँ पे कैंपिंग करने में। और पीछे का ये होटल है, होटल की ये पार्किंग है, तो यहीं पे जो है ना ये बाइक वगैरह लगा दी थी हमने। और एक रूम लिया था, ये रूम था एक। तो भाई यहाँ ये रूम में इसलिए लिया था क्योंकि नाना धोना होता है भाई, काफ़ी बंदे हैं जो नाना धोने होता है, इसलिए रूम लिया था। बाकी फिलहाल चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी आज चितकुल। और यहाँ से 1.25 घंटे की दूरी पे है चितकुल। रास्ते में हो सकता है भाई कहीं नाश्ता पानी करे या फिर सीधा चितकुल ही मिले हम आपको। जहाँ हमने कैंपिंग करी थी ना, ये यहाँ से ये गेट है, ये अभी हम सांगला में है और ये गेट है, यहाँ से ऊपर जाके है वो कैंपिंग की लोकेशन जो होटल है। और यहाँ से 1.25 घंटा के आसपास लगेगा हमें। ये बस अड्डा भाई HRTC बस स्टैंड सांगला चितकुल है जी, 25 किलोमीटर यहाँ से। ये देखो जी सुबह सुबह के नज़ारे, ये पीछे जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, ये देखो बिल्कुल प्लेन है, बढ़िया घास के मैदान होते ना जैसे। और ये पूरी जो रेंज है, ये पूरी जो रेंज है ये देखो सभी पे बर्फ है ऊपर ऊपर। एक तो ऊपर से दिखती है वो चोटी किन्नर कैलास की, एक यहाँ से भी दिखती है कहीं से। सुबह सुबह हमें धूल खाने को मिल रही है। बाकी रास्ता भाई कुछ ऐसा है भाई साहब, डरावने पहाड़ तो यहाँ के भी हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अभी गिर जाएंगे। तो भाई साहब एक पहाड़ दिखाता हूँ आपको, इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाओ भाई साहब कितनी होगी। ये सामने यार ये पेड़ वगैरह हट गया यहाँ पे, अब तो दिखा तो भाई साहब बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, अलग से दिख रहा भाई साहब। ओहो हो ये चढ़ाई, ये सामने वाला पहाड़ देखो जी। एक मिनट इस गाड़ी को पास होने दो, वो सामने भाई इस पेड़ के पीछे, वो देखो जी वे वाले पहाड़, वो भाई साहब बहुत हाइट है उसकी बहुत ज़्यादा। ग्राम पंचायत बटशेरी आपका हार्दिक स्वागत करता है। जय श्री विष्णु नारायण जी, जय श्री विष्णु नारायण जी। तो भाई साहब एक बार इस साइड का नज़ारा देखो, ये भाई साहब गंदी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है यहाँ पे भी ये। और रोड भाई साहब ये देखो कैसे लेंटर निकले हुए हैं आगे की तरफ, हम तो भाई साहब इनको लेंटर ही बोलते हैं, आज जो आगे की तरफ निकले हुए ना पहाड़। ये देखो एक और, तो ये है जी रक्षम, रक्षम विलेज ऐसा कुछ है जी ये। इधर देखो सारा ही जो है ना सारी खेती कर रखी है जो इस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है शायद सेब के पेड़ होंगे। ये देखो नए नए ब्रांड न्यू होटल बनने लग रहे हैं। ये देखो भाई साहब कितना प्यारा बना रखा है, पत्थर उत्थर लगा के एक नया लुक दे दिया भाई साहब इसको। चितकुल है जी 12 किलोमीटर। तो भाई 10:40 का भी समय हो गया है और पहुंच चुके हैं जी चितकुल। ये सामने चितकुल है और यहाँ पे ये बोर्ड भाई पहुंच गया, पहुंच गए इंडिया के पहले गांव में, पहुंच गए भाई। अभी देखो ऐसा है, एक दो साल पहले ना यहाँ पे लिखा वो बोलते थे कि लास्ट इंडियन विलेज है, लेकिन अब जो है ना इस साल से शायद या फिर पिछले साल से हो गया ये फर्स्ट इंडियन विलेज। बाकी अभी यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ है ना इस पर अभी भी लास्ट इंडियन विलेज लिखा हुआ है। और ये जी चितकुल एल्टीट्यूड है इसका 11,320 फुट, इंडिया लास्ट विलेज। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मेरे तो आपके से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलो जी तो भाई सर की रिक्वेस्ट सुन लेना, ठीक है जी। बाकी देख लिया अभी भी चल रहा फोटो शूट भाई साहब, काफी टाइम लगेगा अभी। और आधा ग्रुप हमारा वहाँ पे है, हमारी भी खेत फोटो। और संदीप भाई आ रहा है मजा,
बहुत मजा आ रहा है इंडिया की पहली राइड कांटा जी के साथ, बहुत बहुत मजा, मैं लफ्जों में इजहार नहीं कर सकता जी। सारे बिल्कुल जैसे स्वर्ग की पहली सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। जांगड़ा जी की मेहरबानी से आज हमें स्वर्ग का दर्शन हुआ। सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जांगड़ा द राइडर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया सच। जांगड़ा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इंसान की फीलिंग होती है जो बयान हो जाती है अपने आप, बनानी नहीं पड़ती। तो ये भाई संदीप को दिल दिल से फील हो रही है जो बातें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और अभी हाल फिलहाल जो है ना, कुछ किलोमीटर से ऐसा ही रोड मिल रहा है, आधा रोड जो टूटा हुआ था बीच में, और अभी फिलहाल सही रोड मिल रहा है जब तक ऐसा ही है। ठीक है जी, और नजारे यहाँ के गजब के जी। ये देखो चोटियों पे बर्फ ही बर्फ है। एक बोर्ड यहाँ पे है, एक बोर्ड आगे है। अभी भाई साहब यहाँ कितनी देर बिठा लो, एक दो घंटा ये फोटो शूट खत्म नहीं होगा यहाँ पे। मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ भाई, बाइक अपनी ये रही, साइड में लगा ले, साइड में ये खड़ी अपनी बाइक, ये बोर्ड, ये पीछे चितकुल। और ये दीपक पीछे, यो दीपक, बहुत अच्छा लगा, बहुत पहली बार आया हूँ मैं अजय भाई के साथ, और मुझे बहुत अच्छा, बर्फ इससे भी ज्यादा आगे मिलेगी, और मिलेगी मिलेगी पूरी चट्टान की चट्टान मिलेगी। हाँ, खेलने के लिए मिलेगी, खेलने के लिए कुछ भी करो सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, वो आपकी इच्छा, बर्फ अपनी है। जो तो हमारे साथ थे बंदे लेट आए थे, वे भाग गए है, उन्हें क्या बोलो, बोल सकते हैं आप जो आपके दिल में रहा, वो अरे बोल नहीं, अरे नहीं बोलो यार, धोखाधड़ी कर दिया हमारे साथ उन बंदों ने, कह रहे थे हम तुम्हारे साथ आएंगे, अब दोबारा किसी के साथ भाग गए बस। तो भाई कभी कुछ ऐसा सीन है कि भाई इस बोर्ड से हम ना थोड़ा सा आगे गए थे लेकिन वापसी आ गई, और जो बंदे आगे जा चुके थे ना वो कह रहे थे आगे कुछ नहीं है, ये वो नहीं, क्योंकि भाई मैंने तो देख रखा था कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ बोर्ड है। इसके जो बोर्ड देख रहे हो ना आप, इसके लिए आते हैं बस यहाँ पे लोग, इसके साथ फोटो हो जाए, वीडियो हो जाए बस, और कुछ नहीं है बस। ये 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 जो बोर्ड है ना, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो ये लास्ट विलेज लिखा हुआ है, आने वाले टाइम में आपको ये लिखा हुआ पाएगा, फर्स्ट विलेज, फर्स्ट इंडियन विलेज जी। हाँ, चितकुल। हाँ, बाकी ये बोलते रहे कि भाई एक साल पहले जो है ना ये आ चुकी है स्टेटमेंट वगैरह, जो है ना यहाँ पे जो है ना फर्स्ट इंडियन विलेज होना चाहिए। और भाई यही नज़ारा है जो अभी यहाँ से दिख रहा है ना आपको, बस आगे जाके भी यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी बाइक भाई, ये KTM हो गई, बाकी सारे बंदे जो आगे जा चुके हैं और आगे जाके अभी जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे। और बाइक ऊपर उन्होंने फिर से एक बार धोखा दे दिया था, अभी चालू नहीं हो रहा था बाइक, काफ़ी देर हो गई थी, मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊँ लेकिन ये बंद हो गया, फिर मूड ऑफ हो गया भाई, तुम छोड़ो कोई वीडियो नहीं बनाते, बस भाई यही है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगले स्टॉप। चलो ठीक है जी, ओके जी, जय श्री राम। फिर से भाई साहब भेड़ों का जाम मिलता हुआ, ये देखो जी काली सफेद, काली सफेद। इनके साथ जो है ना भाई साहब दो तीन कुत्ते वगैरह होते हैं, वो खतरनाक होते हैं भाई। ये देखो ये साइड में चल रहा है, ये देखो ये कुत्ते भाई साहब खतरनाक गए हैं, ये देखो। ये जो इन कुत्तों को बताते भाई, ये दो तीन कुत्ते मिल गए ना एक शेर को भी मार सकते भाई साहब, इतनी ताकत होती है इनमें, लपेट देते भाई साहब ये। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई 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 साहब खतरनाक। ओम पवित्र पवित्र पवित्र। ओम भूर्भुवस्सः तस्य पितृभरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो भाई समय हो गया है 1:45 का, फिलहाल अभी कर रहे जी अपना लंच, लंच में जी आलू की सब्जी, चावल, दाल, रोटी। कैसा लगा चितकुल? भारत का प्रथम विलेज चितकुल, बहुत ही मजा आया। हमारे ग्रुप के साथ पूरा हमने व्यू देखा, पहाड़ों पर बर्फ देखी, इतनी ग्रीनरी शायद ही हमने कहीं देखी।
और हल्की फुल्की जो है ना बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई, हल्की फुल्की मौसम कुछ ऐसा हो रखा अभी। और यहाँ ऊपर हमने खाना खाया था, ये अनुपम चाइनीज डिश, ये जी सांगला, 2:33। और अभी 15-17 किलोमीटर नीचे उतरना है, नीचे उतरना है। हट जाओ। देखो दोस्तों कितना खतरनाक सीन है भाई साहब, नीचे देखोगे ना भाई साहब आपकी रूह कांप जाएगी। ये देखो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे है खाई, और कई 100 फुट नीचे जाके गिरोगे, कई 100 फुट। सामने से अंदाजा लगा लो, सामने रोड दिख रहा होगा आपको भाई साहब। और बारिश के टाइम पे तो भाई ऐसी जगहों पे चलना ही नहीं चाहिए, चाहे आपके पास गाड़ी हो बाइक हो, बारिश के टाइम पे भाई बिल्कुल मत चलो ऐसी जगहों पे, क्योंकि पत्थरों का नहीं पता होता कि कब नीचे आ जाए। तो जी फिलहाल अभी टाइम हो गया है 4:07 और करछम डैम हम पहुंच चुके हैं जी। ये राइट साइड में करछम डैम है और यहाँ से नाको है जी 108 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं जी आज कहाँ रुका जाएगा, कैसा क्या होगा। बाकी भाई यहाँ से आगे तो रोड जो है ना सारा ही बढ़िया है, एकदम टॉप टॉप रोड है पूरा जो है। ओए पूरा एकदम बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, ये है करछम ब्रिज, ये करछम डैम, ये मैंने आपको दिखाया भी था। और तो यहाँ से हमने ले लिया जी राइट करछम डैम से ब्रिज से, और यहाँ से 108 किलोमीटर है जैसे कि मैंने आपको बताया। ज़्यादा चढ़ाई वगैरह नहीं मिली तो भाई 70 ऐसे चलेगी बाइक। उठाइए उठाइए जल्दी उठा, इसमें से निकाल रहे हैं, इस पर रखा है, ये जगह बच रही है बता रही है। चल चल बता दे मेरे पीछे होता है। चलो मास्टर जी कोई नहीं, अजय रिकॉर्ड हो गया ये, अजय अजय रिकॉर्ड है। ओ भाई साहब अभी तो कांड हो गया था। ना 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 ना, मैं सोच रहा था कि भाई इस जो ये सफेद पट्टी है ना, यहाँ से नीचे से मैं ऊपर चढ़ा लूंगा, ये ब्रेकर बचाने के चक्कर में ये कांड हो गया जी। अब ये 70 की स्पीड पे रकोंगपियो से अभी तेल फिलअप करवाएंगे, मेरे हिसाब से भाई 100 किलोमीटर तो नहीं चल पाएगी ये बाइक, क्योंकि तेल की सुई जो है नीचे आ चुकी है। देखो जी यहाँ पे भी जो ना आपको इस टाइप के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, ये लास्ट है, ऐसे पहाड़ आपको यहाँ तक ही देखने को मिलेंगे। ये अकपा नाम की जगह से पहले ही है, 4-5 किलोमीटर पहले। ये देखो सामने भी है भाई साहब, ऐसे ऐसे भाई साहब नज़ारे आते रहे ना तो कितनी चलवा लो यार बाइक, मज़ा आता है बाइक चलाने में भी। फिर वो है जी 50 किलोमीटर। ओ भैया क्या बात है जी, क्या बात है। आगे चल रहे जी अपने जस्सी भाई और बबलू भाई, ये दोनों पहले जो ना बहुत राइड कर चुके हैं पहले ही, मतलब जस्सी भाई तो 2002 में बता रहे थे कि लद्दाख होके आ गए थे 2002 में, तब भाई मैं 5 साल का था 2002 में, और बबलू भाई गए थे 2007 में 6 या 7 में। ऐसा भी ये जो है ना पुराने खिलाड़ी हैं अपने टाइम के, अभी भी बाइक बहुत मस्त चलाते हैं, इनकी क्लासिक है 500। तो भाई अब जो है ना हम एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, ये देखो किस तरीके के पहाड़ हैं, ये देखो ये भाई
ज्यादा पुरानी है, ऊपर से भाई साहब लैंडस्लाइड जो है ना, ये पत्थर वगैरह इस एरिया में आते रहते भाई साहब। बिल्कुल सफेद पहाड़ है सामने, ब्राउन पहाड़ है, चॉकलेटी भी कह सकते हो आप। ये देखो कलर कितने डिफरेंस है भाई साहब, कितने डिफरेंट कलर है यहाँ पे। ये छोटा लद्दाख आप इसको बोल सकते हो, छोटा लद्दाख है। पू में जो है ना नया पेट्रोल पंप खुल चुका है, तो पू में ही फिलअप करवाएंगे और पेट्रोल जो है ये लगा लो कि 20-30 किलोमीटर के आसपास का बचा है मेरी बाइक में। 30 किलोमीटर चलेगी, 15-16 किलोमीटर पू है। और ये मैं अब सेकंड टाइम फिल करवाऊंगा भाई पेट्रोल, सेकंड टाइम कि शिमला के आसपास डलवाया था शिमला से पहले, और अब यहाँ डलेगा दो, और तीसरा फिर डलेगा काजा में, तीन के बाद फिर चौथा डलेगा मनाली में। अभी मेरी बाइक का क्या हिसाब किताब चल रहा है कि भाई ये 400 किलोमीटर ही चलती है, प्लेन्स हो पहाड़ हो कुछ भी हो, इसने चलना 400 किलोमीटर ही है, चाहे पहले गियर में चले चाहे दूसरे में चाहे चौथे में। ये है जी पू का नया पेट्रोल पंप। भाई 6:30 का भी समय हो गया है और अभी मेरी बाइक में जो पेट्रोल आया ना वो आया है 1040 का, तो मैं ये मैंने दिल्ली से चलने के बाद दूसरी बार फुल करवाया है, तो पहले इससे पहले आया था 730 का, अभी 1040 का आया है। और अभी जो है ना नरेश भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जो खाब नाम की एक जगह आती है जहाँ पे दोनों नदियों का संगम है, वहाँ पे जो है ना पुलिस वाले ये फोग लाइट और साइलेंसर चेक कर रहे हैं हर बाइक का। तो ये देखो जी हमने कर दिया जी पैकिंग इसकी, फोग लाइट की 4 है मेरी बाइक में, ये कर दिया है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये है जस्सी भाई की बाइक, तो ये देखो जस्सी भाई ने, ये स्पेशल पुलिस वालों के लिए है, वहाँ पे जाएंगे उनके पास रुकेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। अभी फिलहाल क्या है कि भाई गुरुजी जो है वो कल्पा वाले रास्ते पे चले गए थे, तो अमित है गुरुजी एक बंदा और है, तो वो चले गए थे भाई कल्पा की तरफ, तो अभी फोन करा था उनको, वापसी आ रहे हैं। तो देखो भाई, और ये लास्ट पेट्रोल पंप है, पहले जो था ना रेकोंक्वियो था लास्ट पेट्रोल पंप, अब ये पू में हो गया है। और ये देखो बाइक वगैरह आए जा रहे हैं भाई सब, काफी बंदे आ रहे हैं। तो चलो भाई ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पे। हेलो एवरीवन, क्या हो गया भाई, हो गया पिछले 2 किलोमीटर तक घिसड़ा के लेके आने लग रहे हैं। तुमने तो भाई ट्यूब खराब कर दोगे, उतर के पैदल आए हो? पैदल फिर तो बच जाएगी, वजन तक जाएगा, वजन उसमें ले ले, दुकान पे कोने पे दुकान है जो पंचर की दुकान है। मजा तेरा होगा अच्छा। तो ये आ गया जी डबलिंग ब्रिज, तो यहाँ पे जो है हमारी एंट्री वगैरह होगी अब, और यहीं कहीं जो है ना टेंट लगाने की जगह मिल जाएगी हमें। पूरे 8 बज चुके हैं और जो है ना इस बाइक में हो गया था पंचर की दिक्कत आ गई थी, तो अभी इसका भाई कितना टाइम लग गया इसमें अर्शु भाई? भाई 2-3 घंटे लग गए, 2-3 घंटे से यही है आराम से, 8 बज गए। क्या दिक्कत क्या आ गई थी वैसे? दिक्कत ही आ गई थी, इसमें लंगोट नहीं डाला, जिसने टायर डाला ना इसमें लंगोट डलता है ट्यूब डलने से पहले, जिससे ये स्पोक है वो उसमें वो लगे ना ट्यूब में, चुभते नहीं है, तो वो उसमें ट्यूब में लग गई, लंगोट डला नहीं और पंक्चर हो गया इसमें। 2-3 किलोमीटर से तो इसको पैदल घिसड़ा के लेके आए, और उसके बाद अब यहाँ पे आगे पंक्चर लगाया, फिर पंक्चर लगाने के बाद उसका जुगाड़ किया, पक्का भी जुगाड़ नहीं हुआ, पक्का भी नहीं हुआ। सीधी कर जुगाड़ होगा इसका, ट्यूब है हथौड़ा दिए, हथौड़ा दे मेरे तेरे को। चलो भाई ठीक है, अभी भी लगे हुए हैं, और लोकेशन भाई अपनी ये है कैंपिंग लोकेशन, ये पंचर वाला है यहाँ पे, ठीक है जी, ये खाली जो खाली जगह है ये जितनी भी, तो यहाँ पे सारे टेंट लगेंगे यहाँ पे, ये जितनी भी खाली जगह है ना, और सामने जो है पानी है, ये एक हमको लाइट मिल जाएगी यहाँ पे, लाइट लगी हुई खंबे पे, और एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो ये नहीं भाई से बात करी थी हमने, ये कह रहे भाई लगा लो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह से बोल दे देंगे, एक लाइट दे देंगे सेफ्टी के लिए, रात को लगाटी वगैरह आए पहले कैंप लगा लेते हैं। और खाने का अपना हो गया है दाल चावल, खाने का अपना हो गया थोड़ा सा आगे चलते के साथ, 50 मिनट होटल है, और सबसे पहले लगाते हैं टेंट, फिर मिलता हूँ आपसे।